7 जून को नागपुर से हज 2023 के लिए जाने वाले आजमीन हज के प्रशिक्षण तरबियती कैंप का आयोजन महाराष्ट्र राज्य हज समिति मुंबई व सेंट्रल तंजीम कमेटी द्वारा गुरुवार को हज हाउस नागपुर में किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सेंट्रल तंजीम के अध्यक्ष हाजी अब्दुल कदीर के नेतृत्व में गुरुवार को हज हाउस में किया गया, जहां विदर्भ से भारी संख्या में हज यात्रा के लिए जाने वाले आजमीन प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचे। इस प्रशिक्षण में आजमीनों ने हज को इस यात्रा को आशा एवं सुलभ तरीके से संपन्न करने के लिए भारत सरकार तथा सऊदी सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं शर्तों के पालन का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आजमीन हज को इस्लाम की परंपरा के अनुसार हज की जानकारी एवं प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से बताया गया। 7 जून को नागपुर एयरपोर्ट से हाजी रवाना होने जा रहे हैं। 7 जून को पहला एयरपोर्ट जाएगा जहां पर हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर आज दूसरी बार हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां भारी संख्या में हज के लिए जाने वाले लोग यहाँ पर यात्री अब मौजूद हैं, जिनको हज किस तरह किया जाए हर के अरकानों के लिए यहाँ पर उनके प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। उन्हें यहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा और धर्मगुरुओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस तरह हज के अरकान पूरे किए जाए। इस बार हज के लिए शहर से कितने आजमीन हज रवाने होने वाले हैं और इस संबंध में सेंट्रल तंजीम कमेटी की ओर से किस तरह की तैयारी की गई है, इस पर विस्तृत जानकारी सेंट्रल तंजीम कमेटी के उपाध्यक्ष शाहिद नसीम खान ने जानकारी दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद नसीम खान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशियल इंचार्ज नागपुर एम्बर्शन पॉइंट सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय। नागपुर एम्बर्शन पॉइंट से हज की परवाजों का सिलसिला 7 तारीख से शुरू होकर इंशाअल्लाह 14 तारीख तक ख़त्म होगा और अमूनन हर फ्लाइट में 430 यानी फर्स्ट डे का स्लॉट है और उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 या वेटिंग लिस्ट के हिसाब से अगर जो भी आता है तो इसकी संख्या में बढ़ सकती है। तो पहली जो फ्लाइटों में 7 तारीख को जो 9 बजे और 11 बजे रवाना होंगी बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उसमें आदमी ने लगभग पहली फ्लाइट में 430, दूसरी फ्लाइट में भी 430 और ये हज यात्री ज़्यादातर नागपुर शहर, भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर इसके अतराफ के रहेंगे। उसके बाद में 8 तारीख को जो फ्लाइट है वो 8:30 बजे है और उसमें 330 हज यात्री रहेंगे और ये आखिरी तक 330 का सा स्लॉट आया है। इसमें कुछ संख्या बढ़ भी सकती है, 329 भी हो सकते हैं, 332-335 भी हो सकते हैं। सभी आदमीन हज से ये गुजारिश है कि वो अपनी रिपोर्टिंग फ्लाइट डेट के 48 घंटे पहले हज हाउस में आकर सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स लाए और यहाँ पर रिपोर्टिंग कराए। जो हज यात्री रिपोर्टिंग नहीं कर पाया तो ये समझा जा हज कमेटी ये मानेगी कि ये यात्रा में जाने को तैयार नहीं है और उसका नाम पीछे की फ्लाइटों में डाल देंगे। अगर वो कोई कारण से लेट हो गया है तो फिर वो नेक्स्ट डे रिपोर्टिंग कराएगा और उसकी तारीख या जो भी दिन है वो बता दिया जाएगा उनको, क्या उनकी टैगिंग वगैरह सब वो हो जाएंगी और एक स्लिप बोर्डिंग पास में भी लगा दी जाएगी कि आपके जैसा 2 हाजी है और 3 डाक है या 4 डाक है जिससे भी, तो वो उसके नंबरिंग हम का स्टिकर उनकी बोर्डिंग पास में लगा देंगे। उसके बाद में हज यात्रियों को एहराम बांधा जाएगा, एहराम हज हाउस में ही बांधा जाएगा।
बहुत कुछ प्रॉब्लम आया या कुछ हुआ तो कुछ हज यात्री बिना हैरान के भी एयरपोर्ट रवाना कर दिए जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बैठेगा। भले ही आप बोलेंगे कि हम 10 घंटे 12 घंटे पहले बुला रहे हैं, लेकिन 450 हज यात्री हम एक को भी एक मिनट दिए तो 450 मिनट होते, तो आप कैलकुलेट कर सकते कि कितना यहाँ से बस द्वारा उनको भेजा दिया जाएगा। हज यात्रियों से एक और है कि भी एक सर्कुलर और आया है कि हज यात्रियों को मेडिसिन की एक डोज पिलाई जाएगी, और वो अगर नहीं पीता है या अपनी स्टैंपिंग नहीं कराता है हेल्थ कार्ड में तो एयरपोर्ट के अंदर उनका प्रवेश नहीं लिया जाएगा। इस बार आज़मी ने हज को हेल्थ कार्ड लेना बेहद ज़रूरी कर दिया गया है कि किस तरह ये कार्ड लेना है, कहाँ होगा एवं हज के लिए इस बार आज़मी ने हज को किन किन चीज़ों का पालन करना होगा, इस बात पर सेंट्रल तंजीम कमेटी के सचिव हाजी मोहम्मद कलाम ने रोशनी डाली। 2023 को हज को जाने वाले हुजाज इकराम का सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय मुबारकबाद पेश करती है। हज 2023 के में इस साल हज हाउस की जवाबदारी सेंट्रल तंजीम कमेटी को मिली है, जिसके पिछले 22 सालों से के तजुर्बा और कामयाब हाजी अब्दुल कदीर साहब के अध्यक्षता में जो हमारी कामयाबी को देखते हुए हज महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ने फिर से हमको जवाबदारी दी है, और हमारा इस साल 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये हज का ऑपरेशन शुरू रहेगा। इसके अंदर में 7 तारीख का पहला फ्लाइट है, वो आपको 7 तारीख से 14 तारीख तक जो हुजाज इकराम जाने वाले हैं वो है। तो ये जाने की तैयारी को लेकर पहले से तरबियत कैंप लिए जाते हैं, जो हज महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के जो ट्रेनर होते हैं, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, और उसके अंदर में ये होता है कि जो हुज्जाज इकराम के सफ़र हज के दौरान जो तकलीफ आने वाली है, जो उनको परेशानी होती है उसके बारे में, और जो उनको तरीका रहता है उसके बारे में ये ट्रेनिंग कैंप लिया जाता है। इसमें हमारे जानिब से उलमाए दीन आके उन्हें तरबियत देते हैं, हज के अरकान के बारे में बोलते हैं। हमारे यहाँ एयर इंडिया, एयरलाइंस, कस्टम, इमिग्रेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये लोग आके हाजियों को मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें हाजी लोग जब हज के लिए जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट में क्या 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 करना है उसके बारे में वो बताते हैं, तो जिसमें हाजियों को सही मानों में तरबियत मिलती है। हम लोग जो ट्रेनिंग लेके आते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से, सेंट्रल तंजीम कमेटी के मेंबर होने के नाते, मैं सेक्रेटरी होने के नाते, उसके अंदर में सफ़र है हज के बारे में, घर से लेके हज हाउस तक, हज हाउस से लेके एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से प्लेन में बैठने तक, प्लेन से बैठने से लेकर जद्दा एयरपोर्ट जाने पे क्या क्या दूसरा उनको हुज्जाज इकराम को ज़रूरत पड़ती है, वो उसके अंदर में जो हुज्जाज इकराम जो हज की तैयारी करते हैं उनको सबसे पहले 20-20 किलो के 2 बैग लेना होता है, एक हैंड बैग होता है जो 7 किलो का होता है। इस बार हुज्जाज इकराम में कई ये है कि भी वहाँ कैटरिंग है, खाने का इंतजाम है नहीं है, इसके अंदर में मक्के में किचन मिलेगा, वहाँ पे आप खाना पका सकते हैं, मदीने में आपको कोई किचन नहीं मिलेगा, वहाँ आपको होटल से या अपना बाहर से इंतजाम करना पड़ेगा, ये सब बारे में बताया जाता है। और उसके अलावा कौन सा सामान हमने ले जाना चाहिए, कौन सा नहीं ले जाना चाहिए, इसके भी हम बताते हैं। आज हमारी डिजिटल कमीशन की जो मीटिंग हुई उसके अंदर जो नई नई डायरेक्शन आई है उसके अंदर में डिविजनल कमिश्नर जो उसके इस ऑपरेशन के अध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर, महानगर पालिका, पुलिस कमिश्नर, NIT का चेयरमैन और भी जितने अदर महकमे के लोग हैं उसके सदस्य होते हैं, तो ये लोग मिलके ही इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए, महानगर पालिका की जवाबदारी है साफ सफाई रखना, अतिक्रमण हटाना, और यहाँ पे स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खोलना, एम्बुलेंस लगाना, ये सब बातें हुई है। उनमें सबसे बड़ी महत्व की आज बात ये आई है कि हर हाजी को
हज हाउस में ही आके जाना जरूरी है, डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं जाना। अगर अगर वो चले गए तो उनको उसका तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। उनका यहाँ हज हाउस में सामान तो लिया जाएगा, मगर जो हाजी का मेडिकल चेकअप यहाँ होगा, उसका स्टैंपिंग होगा, उसके बाद उन्हें बस में बिठाया जाएगा और यहीं से डायरेक्ट नागपुर एयरपोर्ट छोड़ा जाएगा। इसलिए तमाम हुज्जाज इकराम को मैं महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी और सेंट्रल तंजीम कमेटी की जानिब से इतला देता हूँ कि तमाम हाजी हुज्जाज इकराम जो 7 तारीख को फ्लैट है, 7 तारीख से 14 तारीख फ्लैट है, लोग सोच रहे कि हम डायरेक्ट चले जाएंगे, डायरेक्ट ना जाते हुए आपको हज हाउस से मेडिकल चेकअप करते हुए, जिसमें IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट रहेंगे, नागपुर महानगर पालिका की डॉक्टर टीम रहेंगी, ये तमाम लोग उनका चेकअप करेंगे और तब उनको बस में बिठा के रवाना करेंगे। और वो उनको इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी किया है, उनको एक हेल्थ कार्ड दिया है और हेल्थ कार्ड के ऊपर में उसकी डॉक्टर की साइन होगी। और ये हेल्थ कार्ड नागपुर ही नहीं, नागपुर एयरपोर्ट पर भी देखा जाएगा और जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरोगे तो वहाँ पर भी इस हेल्थ कार्ड का ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जाज इकराम इसको इतने आसानी से ना ले, इसके लिए वो नागपुर हज हाउस होते हुए ही रवाना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उनको तकलीफ़ों के सामने से राहत मिलेगी। साथ ही हज 2023 के लिए बड़ी तादाद में जाने वाले आज़मीन हज को सेंट्रल तंजीम कमेटी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल कदीर ने मुबारकबाद दी। हज 2023 नागपुर एम्बार्गेशन पॉइंट से जाने वाले सभी हुज्जाज इकराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और नागपुर एम्बार्गेशन पॉइंट से हुज्जाज इकराम 3265 हुज्जाज इकराम यहाँ से जाने वाले हैं, 2518 हुज्जाज इकराम विदर्भ से है और बाकी के हुज्जाज इकराम जो है छत्तीसगढ़ और MP से जाने वाले हैं। मैं हाजी अब्दुल कदीर सेंट्रल तंजीम कमेटी की तरफ से जाने वाले हाजियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आज जो यहाँ पे तरबियत का दूसरी तरबियत, पहली तरबियत हमारी यहाँ मोहम्मद अली सराय में हो चुकी है, दूसरी तरबियत अभी यहाँ पे चालू है। अब पूरे हाजियों का भी जो तरबियत में शरीक हुए उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इस बार हज 2023 में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जिसका हाजियों को ध्यान रखना होगा कि इस बार आपको अपने घर से सीधे एयरपोर्ट पर जाना नहीं होगा। सबसे पहले आपको हज हाउस में आना होगा इस बार, क्योंकि आपको अपना हेल्थ चेकअप कार्ड दिखाना अनिवार्य। इस बार हिंदुस्तान प्रशासन ने इसको अनिवार्य कर दिया गया है। आपको हेल्थ कार्ड नागपुर एयरपोर्ट पर दिखाने के साथ साथ जब आप रवाना होकर हज के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तब वहां पर भी आपको अपना हेल्थ कार्ड दिखाना अनिवार्य हो गया। तो इसके चलते आपको अभी हज के लिए जब जाना होगा तो आपको घर से निकलकर सबसे पहले हज हाउस आना होगा। यहाँ पर डॉक्टरों का कैंप लगाया जाएगा जहाँ से आपको अपना हेल्थ कार्ड लेना होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस बार 7 जून को हज यात्री नागपुर शहर से रवाना होंगे। 7 जून को रवाना होने वाले हज यात्रियों के लिए इस वीडियो में हमने जाना कि किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, कैमरामैन अजित कुंवर के साथ अक्सा वहीद अंसारी, BCN News नागपुर।